अस्सलामु अलैकुम। और आपको मेरी रेसिपीज कैसी लग रही हैं? अपनी कमेंट्स हमें ज़रूर दें। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं शामी कबाब। तो चिकन शामी कबाब के लिए इंग्रेडिएंट्स जो हमें चाहिए वो हमने सारी यहाँ पर सामने ही रख ली हैं। यहाँ हमने दाल ले ली है 2 कप और उसे हमने सोक कर दिया। तकरीबन 1 घंटा हो गया इसको सोक किए हुए। यहाँ हमारे पास चिकन है। ये चिकन जो है ये मैंने बोनलेस लिया है और ये है तकरीबन आधा किलो से कुछ ज़्यादा है। 3 पाव ये चिकन है मेरे पास। और उसके अलावा यहाँ मैंने मसाले लिए हैं। इन मसालों में मैंने अदरक का एक बड़ा पीस ले लिया है और मैंने पूरा एक लहसुन लिया है उसको छील के रख लिया है। यहाँ पर मिर्चें मैंने बहुत सारी ली हैं, मिर्चें मैंने ली हैं काफ़ी सारी। और इन ये आप पर डिपेंड करता है कि अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं या बच्चों के लिए बनाना चाहते हैं तो ये मिर्चें थोड़ी कम कर दें, अदरवाइज़ दीज आर परफेक्ट। और उसके अलावा मैंने दालचीनी के 2 पीसेस लिए हैं यहाँ पर। 3 मैंने लौंग लिए, लौंग मुझे इतने पसंद नहीं है और इसीलिए मैंने कम लिए हैं। और मुझे मसाले, गरम मसाले मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, मैं थोड़े डालती हूँ ताकि मुझे उनका जो फ्लेवर है वो एक फ़्लेवर आ जाए बस। और इसके अलावा मैंने यहाँ पे काली मिर्ची ली हैं। काली मिर्ची मैंने थोड़ी सी कुटी हुई भी ली हैं क्योंकि मैंने जिस बॉक्स में ये रखी हुई थी उसमें कुटी हुई भी शामिल थी, तो वो मैंने जब ये निकाली तो वो कुटी हुई भी साथ आ गई। मैंने यहाँ पर धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून लिया है, ज़ीरा मैंने लिया है, यहाँ पर हल्दी ली है, नमक आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो ये सारी चीज़ें हैं और बनाने के लिए चलिए देखते हैं अगला स्टेप क्या है। यहाँ पर मैंने एक कुकर ले लिया है। आप इसे किसी भी पतीले में बना सकते हैं। इन केस के अगर आपको कुकर यूज़ करना नहीं आता तो आप किसी पतीले में बना सकते हैं। इसमें हम दाल को ऐड कर देंगे और इस पहले इसका जो पानी है ये निकाल लेंगे। इसमें दाल ऐड करेंगे, चिकन ऐड कर देंगे इसमें हम, और ये जितने भी स्पाइसेस हैं हमारे पास ये सब इसमें चले जाएंगे। और अब हमने इसमें इतना पानी ऐड करना है कि ये जो चिकन है ये तो हो जाएगा, जो दाल है मेन वो भी गलनी चाहिए। तो दाल इसीलिए हमने सोक कर ली थी। पानी बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे और पानी उतना ही ऐड करेंगे जितना वो ड्राई हो जाए और जो हमने इसमें गोश्त और दाल डाली है वो भी गल जाए। इसको मिक्स कर लेते हैं एक दफ़ा। 2 कप मैंने यहाँ पर दाल ली थी और इसको 1 घंटे से मैंने भिगो दी है। मिक्स कर लिया हमने इसको और अब मैं इसमें डालूंगी तकरीबन 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया मैंने इसमें 1 टेबल स्पून। अब मैं कुकर को करूंगी बंद और इसको मैं अब पकाऊंगी। यहां पर हमने कुकर को ओपन किया है और हमारी दाल जो है वो हम चेक कर लेते हैं। अभी इसमें थोड़ी सी कसर है, इसको थोड़ा सा और पानी ऐड करेंगे। पानी ड्राई हो चुका है, इसमें चिकन परफेक्टली गल चुका है लेकिन दाल अभी कच्ची है तो हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे ऐसे ही स्लो फ्लेम पर पका लेंगे। यहाँ मैंने दाल को चेक कर लिए, दाल जो है वो परफेक्टली ऑलराइट डन हो चुकी है और खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है कि आप यकीन करें। जब आप ट्राई करेंगे तो आपको तब पता चलेगा। कलर भी देखें इसका, बहुत ही अच्छा सा कलर है, कोई डार्क कलर नहीं आया इसका। और अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे या इसी में हम ठंडा कर लेंगे इसको और फिर उसके बाद हम इसको पीसेंगे। फ्लेम मैंने यहाँ बंद कर दिए और अब जो है हमने इसको ठंडा करना है। इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे ताकि हमारी जो मशीन है उसमें फिर हम इसे इजीली पीस सकें। अगर आपके पास मशीन नहीं है तो आप इसे सिलबट्टे पे या हावन रस्ते में या जिस तरह से भी आपको इजी लगता है आप उस तरह से इसको पीस लें। हमने इसको पीसना है। यहाँ हमने इसको अच्छी तरह से पीस लिए। अदरक का जो बड़ा पीस हमने डाला था वो हमने बाहर निकाल लिए और अब ये देखें इसके अंदर जो हमने दालचीनी डाली थी वो मेरी मशीन में नहीं पिसती तो वो भी मुझे बाहर निकालनी है। लौंग नहीं पिसते वो बाहर निकालने, जो चीज़ें नहीं पिसती वो आप बाहर निकाल लें, स्पेशली गरम मसाला। और बाकी जो है वो सब कुछ पिस चुका है आपके सामने, गरम मसाला और दालचीनी ये मैंने निकाल ली है। अदरक का पीस भी मैंने साबुत डाला था तो वो भी मैंने निकाल लिया। अब ये जो है अब
अब इस वक्त आप इसमें नमक मिर्च चेक कर सकते हैं। अगर सॉल्ट कम हो तो आप इसमें सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। अगर मिर्ची कम लगे तो आप इसमें पिसी हुई लाल मिर्च डाल दें या हरी मिर्ची चॉप करके डाल दें। और उसके अलावा अगर आपको इसमें मसाला या चटपटा कम लगे तो आप इसमें गरम मसाला पिसा हुआ डाल दें। तो हमने ये सब कुछ चेक कर लिए। अब हमारे पास ये प्याज और हरी मिर्च हमने चॉप करके रखी है, ये इसमें ऐड करेंगे। और इसमें हमने हरा धनिया भी ऐड करना था, बट अनफॉर्चुनेटली हरा धनिया अवेलेबल नहीं है तो वो हम अब इसमें नहीं डाल रहे। लेकिन अगर आपके पास हरा धनिया हो तो वो आपने ज़रूर इसमें ऐड करना है। अब हम इसे हाथों की हेल्प से मिक्स कर लेंगे। मेक श्योर कि आपके हाथ बिल्कुल साफ होने चाहिए। अगर हरा धनिया होता तो इसका कलर बहुत प्यारा लगता है। हरा धनिया मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, पुदीना बहुत ज़्यादा पसंद है। शामी कबाब में पुदीना डालें, हरा धनिया डालें, लेकिन लॉकडाउन की वजह से ना तो हरा धनिया मिला है ना ही पुदीना मिला। तो हमने इसमें प्याज और हरी मिर्चें चॉप करके डालना। कुछ लोग इसमें अंडे भी ऐड करते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। अगर आप इसमें अब अंडे डालना चाहें तो आप अंडे भी डाल सकते हैं। और अदरवाइज हम इन्हें फ्राई करते वक्त इसमें अंडे में डिप करके फिर फ्राई करेंगे। अब हमने इसके कबाब बनाने, तो कबाब आपकी मर्ज़ी है कि आप हाथ पे यूं थोड़ा सा लें और यूं इस तरह से करके कबाब बना लें, ये साइज़। और अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल प्रोफेशनल लुक आए और आपके कबाब बिल्कुल ऐसे लगें जैसे बाज़ार के कबाब हैं, तो आपको मैं एक ट्रिक जो है वो आपसे मैं शेयर कर देती हूँ। पहले मैं हाथ धो लूँ अपने। कोई सा भी किसी भी किस्म की बॉटल का लिड ले लेना है, इस तरह से जार का लिड ले लें और या फिर किसी जैम की बॉटल का लिड ले लें। कोई भी लिड जो आपको लगे कि इस साइज़ का कबाब जो है वो सूटेबल होगा। तो मुझे इस तरह का ये जो लिड है ये मुझे परफेक्ट लगा। बाकी बहुत छोटे थे, कुछ बहुत बड़े थे, तो ये मुझे थोड़ा परफेक्ट लगा। अब ये ले लेंगे, कोई सी भी प्लास्टिक की थैली ले लें आप। अगर आपके पास थिन फिल्म नहीं है तो आप प्लास्टिक की थैली ले लें और थोड़ा सा इसको काट लें। ये हमने यहाँ पर इसको थोड़ा सा काट लिए। आप प्लास्टिक की थैली ले लें या कोई शॉपर ले लें, जो आपको सही लगे आप वो ले लें। ये आपने इसके ऊपर रख लें। और अब स्पून की हेल्प से आपने इसमें ये डाल लें। इसको प्रेस कर लें, अच्छे से प्रेस कर लेंगे इसको। आप चाहें तो यूं भी प्रेस कर सकते हैं। अच्छा, प्रेस हो गया हमारा। अब हम इसे इस प्लेट में निकाल लेंगे जिसमें हमने रखना है। ये देखें, तो इसी तरह से आपके सारे कबाब जो हैं परफेक्टली एक साइज के बनेंगे। तो हम जल्दी से इस तरह के सारे कबाब बना लेते हैं। ये देखें, ये बिल्कुल परफेक्ट साइज के कबाब हमारे रेडी हो गए हैं यहाँ पर। तो अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। यहाँ हमने एक अंडा ले लिया। इसमें थोड़ा सॉल्ट ऐड करेंगे और इसे फेंट लेंगे अच्छी तरह से। वी ऐड अ पिंच ऑफ सॉल्ट। यहाँ मैंने पैन रख ली है, आई ऐड सम ऑयल। ऑयल को गर्म होने देंगे, बहुत ही एहतियात से उठाएंगे इसको। एक्स्ट्रा अंडा जो है वो इसको निकाल देंगे और इसको यहाँ पर तल लें।
अब तो मार्केट में बहुत सारे कटर भी अवेलेबल हैं जिससे आप शामी कबाब या चकली कबाब वगैरह बना सकते हैं, इजीली मिल जाते हैं। लेकिन मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से बता दिए। स्लो फ्लेम कर लिए हमने, परफेक्टली यहाँ पर जो है हमारे शामी कबाब तले जा चुके हैं, तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे। चूल्हा कर देंगे बंद और ये देखें इनका कलर चेक करें आप, कितना ही ज़बरदस्त कलर है और साइज़ भी सबका इक्वल है। तो अब हम इसे डिश आउट करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। ज़बरदस्त से यहाँ पर हमारे चिकन शामी कबाब रेडी हो चुके हैं और हमने इसे मायोनीज़ की एक सॉस के साथ इसको सर्व किया है। रमज़ान में आप इसे बना कर रख लें और फिर इसे फ्रीज भी कर सकते हैं आप। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।